फैक्ट नंबर वाइज, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी बीमारी इस दुनिया में आई, हमारे वैज्ञानिकों ने देर सवेर ही सही पर इसका इलाज जरूर ढूंढ निकाला है। और इसी तरह से पिछले कुछ सालों से हमारे वैज्ञानिक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को ढूंढने में लगे थे, और अब फाइनली इसका इलाज मिल गया है। जी हाँ गाइज, वैज्ञानिकों ने डोसार्टलिमैब नाम की एक कैंसर दवा ढूंढ निकाली है, जिसे उन्होंने 12 कैंसर मरीजों पर ट्रायल भी किया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 12 के 12 मरीजों का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। दरअसल US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा बनाई गई इस दवा को अगस्त 2021 में ट्यूमर मरीजों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले मरीजों पर 6 महीने तक ट्रायल किया। और इसके बाद जब उनकी रेडियोथेरेपी और सर्जरी की गई तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। बहरहाल इस दवा से अभी सिर्फ रेक्टल कैंसर मरीज ही ठीक हो पाए हैं, और अब देखना ये होगा कि क्या ये दूसरे टाइप के कैंसर भी ठीक कर पाएगा। वैसे गाइस, आपका इस दवा के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फैक्ट नंबर 2 गाइस, हमारी दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें कभी कभार एक्सप्लेन कर पाना तक मुश्किल हो जाता है। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ न्यूजीलैंड में, जहां पर आसमान में एक अजीबोगरीब ग्रहों जैसा चमकता स्पाइरल दिखा। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वायरल हुआ तो लोगों ने अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। कई लोगों ने इसकी तुलना दूसरी दुनिया के रास्ते से कर दी, तो किसी ने कहा कि एलियंस इसी रास्ते से पृथ्वी पर आएंगे। पर गाइस घबराइए नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने इसकी वजह ढूंढ ली है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि ये महज किसी सैटेलाइट या रॉकेट का एग्जॉस्ट गैस है। गाइस है ना अपनी दुनिया और यहाँ के लोगों की इमेजिनेशन कमाल की, जो अपनी कहानियां बनाते रहते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और क्या आप भी एलियंस पे बिलीव करते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL अब दुनिया की दूसरी सबसे महंगी स्पोर्ट लीग बन चुकी है, और इसकी कीमत 118 करोड़ रुपए पर मैच हो गई है। वहीं दुनिया की सबसे महंगी लीग अभी भी अमेरिकी फुटबॉल लीग NFL है, जिसकी पर मैच कीमत लगभग 134 करोड़ रुपए है। दरअसल साल 2023 से 2027 के लिए हुई ई नीलामी में BCCI को मीडिया राइट से करीब 48,390 करोड़ की कमाई हुई है, और ये खेलों के इतिहास में मीडिया राइट्स बेचकर मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी रकम है। वहीं इस बार IPL में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीवी राइट्स को डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए में खरीदा है, और डिजिटल राइट्स को रिलायंस की वाइकॉम 20,500 करोड़ रुपए में अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ अब IPL को ICC की तरफ से 2.5 महीने विंडो मिल चुकी है, जिसमें IPL टीमें भी विदेशी टीमों के साथ भी फ्रेंडली मैच खेलेंगी। तो इसका मतलब साफ है कि अगला IPL सीजन धमाकेदार होने वाला है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या RCB जीतेगी ये भी प्लीज बताइएगा।